नमस्कार अम्रेलनो, आप देख रहे स्टडी पार्सल। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पीजी 2024 मापा ब्राउन वैकेंसी फिल करने के लिए डीएचओ में ऑफलाइन डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं। तो ऐसे में बच्चों के पास एक कंफ्यूजन है कि सर हमें बेसिकली आना कहाँ पे है। आप लोग कासनिस विद्यालय का जो बड़ा वाला गेट देखे हो, जिसको बोलते हैं सिंह द्वार, ठीक है, तो आपको बेसिकली वही आना है। लेकिन कुछ कॉलेजेस, यानी कि जैसे कि हम बात करें बीएड वगैरह, तो बीएड जो है वो कैंपस से बाहर चलता है, तो वो लोग कमाख्या जो है वो लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पड़ता है, लंका गेट से ऑटो लेके जा सकते हो, तो आप वहां पे जाके काउंसलिंग कराओगे, ठीक है। बाकी जितने बच्चे हैं वो लोग बीएचओ के उसी गेट के अंदर आके अपनी काउंसलिंग कराएंगे। और काउंसलिंग कहाँ कराना है गेट के अंदर आने के बाद, तो वो आपको आके कराना है अपने अपने डिपार्टमेंट में। अब ध्यान देना कि कई सारे ऐसे कोर्सेज होंगे जिसमें वो डिपार्टमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, तो आप अपने अपने उस कोर्स का पैरेंटल डिपार्टमेंट ढूंढो, क्योंकि कई बार कुछ कोर्सेज ऐसे हैं ना डिपार्टमेंट से लिंक होकर चलते हैं। जैसे कि अब टूरिज्म की बात कर लो, तो वो कहाँ चलता है, वो हिस्ट्री ऑफ आर्ट वाले डिपार्टमेंट से ऐड होकर चलता है, तो वो वहां पे मिल जाएगा या एससी के बगल में। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा परेशान तो होना पड़ेगा ढूंढने में, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ कैसे। तो आप लोग क्या करना, जब आप लंका पे पहुंचना, यानी जो गेट है बड़ा वाला, वहां पे गार्ड खड़े होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनकी प्रॉपर वर्दी होती है, एक उनका गेटअप होता है बेसिकली, इसी टाइप का कुछ कलर होता है, हल्का सा इससे लाइट होता है, इस शर्ट से आप देखोगे समझ में आ जाएगा। तो उनसे बोल देना कि हाँ हमें पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट में जाना है, कहाँ से कैसे टर्न लेना है बता दीजिए। तो कुल मिला के 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में ही होता है। आप ऑटो वाले को 10 रुपए दोगे और अपने डिपार्टमेंट का नाम बताओगे तो वो उस डिपार्टमेंट तक छोड़ देगा, ठीक है। फिर वहां पे भी गार्ड होगा, गार्ड हमेशा हर चौराहे पे लगभग मिल जाएंगे। बाकी इसमें तो क्लासेस चलने लगी है ना, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, आप स्टूडेंट से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चे वहां पे मिल जा रहे हैं उनसे बेसिकली लोकेशन पूछोगे तो आपको बता देंगे। थोड़ा मोड़ा 4-5 कदम ज्यादा चलना पड़ जाए, थोड़ा भटकना पड़ जाए, लेकिन आपको मिल जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। बाकी अगर ऐसा कंडीशन होता है, अरे सर मिल ही नहीं रहा है, बहुत समस्या हो रही है, तो बाकी मैं तो अवेलेबल हूँ ही, आप मेरे से पूछ लेना। तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है काउंसलिंग वाला, लेकिन अभी काउंसलिंग वाला पे बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग है, यानी इतना मैसेज, यूजी की भी काउंसलिंग चल रही है, पीजी के मॉपअप राउंड आ गए हैं, इलाहाबाद के राउंड आ रहे हैं, तो बच्चे बहुत ज्यादा वहां पे इंक्वायरी डाल रहे हैं, 700 800 500 ऐसे दो दो तीन तीन लोग रिप्लाई कर रहे हैं, फिर भी हम लोग पूरा प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पा रहे, इतना ज्यादा इसमें ट्रैफिक है। तो आप लोग ध्यान देना, वहां पे जब आप सब्सक्रिप्शन उसका लेते हो 50 रुपीज का, तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद डिस्क्रिप्शन में नंबर है काउंसलिंग वाला का, आप जब भी उस पर व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करना है, और आप व्हाट्सएप पे जब वहां पे हेलो हाय लिखते हो तो आपको अपने आप पूरा एक प्रोसीजर पता चल जाएगा। आप जब सब्सक्रिप्शन ले लिए, यानी 50 रुपीज का पेमेंट कर दिए, तो वहां पे एक मिस कॉल देना होता है आपको, ठीक है। बेसिकली आप व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल दे देना, जिससे क्या होता है कि मिस कॉल वाला का एक कॉलम बन जाता है, तो वहां पे आपका पेमेंट चेक करके आपको कॉल बैक चला जाएगा, मेरे पास समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिस कॉल मार देना, वैसे आप मिस कॉल नहीं मारोगे तो भी आपको रिप्लाई चला जाएगा, कोशिश रहेगी जल्द से जल्द चला जाए, लेकिन अगर आप मिस कॉल मार देते हो तो वो थोड़ा जल्दी आपको पता चल जाए, हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चे इस वाले कॉलम में है, मिस कॉल वाले में है, तो इनको जल्दी से रिप्लाई करना है। तो एक इसको प्लीज फॉलो करिएगा, बाकी मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अगर कोई इशू है, क्योंकि देखो अब जैसे एक एक कॉल था मुझे फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी का, ठीक है, अब उसमें अनरिजर्व और ओबीसी में शायद कोई सीट नहीं है, अनरिजर्व में कोई सीट नहीं है, मैंने चेक किया, अब वो बच्चा फिर भी आने वाला था, थैंक गॉड कि मेरे पास आई थी इंक्वायरी के लिए, मैंने चेक किया, तो मैं कहा भाई इसमें तो सीट ही नहीं है, शायद इसी कोर्स का था, एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, माइंड से उधर भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप राजस्थान से, आप कोई वो थे, वो राजस्थान से आप आ जाओ, पता चले आपके डिपार्टमेंट में सीट ही नहीं था, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आप 800 500 600 रुपए लगा के ट्रांसपोर्ट में सफर करके आओगे, तो पहले अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटी को समझ जाओ ना कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं। अब जैसे 100 नंबर 150 नंबर पीछे हो, तो फिर आप उतना दूर से क्यों आओगे, और आपके डिपार्टमेंट बस 2 से 3-4 सीटें हैं। तो प्लीज ये सभी जो सर्कमटेंसेज है ना, इसको समझने के बाद उतना दूर से आओ, ट्रैवल करो, क्योंकि वो लिस्ट ऑलरेडी आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप डायरेक्टली जाके वैकेंट सीट चेक कर सकते हो, आप उसमें वैकेंट सीट देख लो। बेसिकली जैसे वैकेंट सीट चेक करने का मैं तरीका बता देता हूँ एक, ठीक है, आप वीडियो बना रहा हूं तो मैं समझा देता हूँ, बच्चे बहुत परेशान है। वैकेंट सीट में जो अनरिजर्व्ड है यू आर कैटेगरी, उसमें जो सीटें दी हुई हैं वो सीटें
बाकी के जो कैटेगरीज के बच्चे होते हैं वो यूज कर सकते हैं, यानी EWS, OBC, SC, ST, PW, सब लोग उसको यूज कर सकते हैं अगर आप उस कट ऑफ में आते हो तो, क्योंकि यहाँ पे भी मेरिट बनेगा उस पर्टिकुलर 2 दिनों में, 3 से 4 दिनों में, 11 से 4 बजे के बीच में, जो लोग भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अपना डिटेल सबमिट करेंगे उनका मेरिट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको फाइनली सीट दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप उस वैकेंट सीट को चेक कर लो, आप मेजर कर लो। आप सपोज कि कोई बच्चा बोल रहा है कि ओबीसी में 4 सीट है और यूआर में 5 सीट है, तो उसके लिए टोटल सीट कितना हो गया? यूआर का पूरा सीट हो गया और ओबीसी का भी सीट हो गया, तो दोनों को ऐड करके वो देखेगा। इस तरीके से रिजर्वेशन काम करता है। अब इसको क्या रिवर्स रिजर्वेशन यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर एक बात बताइए, इम्प्लाई वार्ड का तो 5 सीट खाली जा रहा है, मान लीजिए बच्चा नहीं आया तो क्या हमें वो मिल जाएगा, हम जनरल के हैं? नहीं मिल सकता है। किसी भी कैटेगरी में कोई बच्चा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एसटी की सीट, मान लो अब हो सकता है भाई 4 सीट एसटी का हो, अब वहां पे एसटी का कोई पहुंचा ही नहीं, सपोज ऐसा हुआ तो वो खाली रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस एसटी को कन्वर्ट कर देंगे ओबीसी में, ऐसा नहीं कि उस एसटी कैटेगरी को कन्वर्ट कर देंगे जनरल में या ईडब्ल्यूएस में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो सीट खाली चली जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूर है लेकिन वो आपको नहीं दी जाएगी। इस तरीके से रिजर्वेशन ही काम करता है। इम्प्लाई वार्ड के बच्चे बहुत लाइक बच्चे इम्प्लाई वार्ड वाले सीट बहुत उंगली उठा रहे थे कि सर वहां 10-15 सीटें खाली, हाँ खाली रह जाती हैं। अब एक ही टाइम पे थोड़ी ना पूरा इम्प्लाई वार्ड जो है उनके बच्चे हुए होंगे भाई, अब जनरेशन टू जनरेशन होता है। अब हो सकता है कि 2024 वाले में इम्प्लाई जो है उनके यहाँ बच्चे कम जन्म लिए हों, तो ऐसे में उनके यहाँ सीट खाली जा रही है, कभी कभी वो सीटें भर भी जाती हैं। तो भाई अब बीएचयू के एम्प्लाई वार्ड के लिए बेसिकली है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि क्या एम्प्लाई वार्ड में क्लिक कर देंगे तो हमें मिल जाएगा? भाई उसमें आपका आपके पेरेंट्स होने चाहिए एम्प्लाई वार्ड, मामा चाचा दादा चाचा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपके पेरेंट्स होने चाहिए बीएचयू के एम्प्लाई, वो भी रेगुलर एम्प्लाई होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से फॉलो होता है। तो ये तमाम चीजें जो डाउट्स दिन भर के थे मैं आपसे डिस्कस किया, अभी खड़े हो गए। और ठीक है, डीडी बनवा के ले आना, डॉक्यूमेंट्स को ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया उसको कवर कर लेना, और काउंसलिंग वाला भी जो भी चीजें रह जाएंगे उस पर डिस्कस कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो ओवरऑल ये कुछ कन्वर्सेशन था जो कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, मुझे लगा आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए। और उसके बाद ठीक है, तो मुस्कुराते रहे, बहुत से शुभकामनाएं हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉन्टेक्ट काउंसलिंग वाला, ध्यान देना कॉलिंग अलाउड नहीं है, ओनली व्हाट्सअप, कॉलिंग रिसीव ही नहीं होगा, ओनली व्हाट्सअप। ठीक है, मुस्कुराते रहे, बहुत से शुभकामनाएं, हर हर।